पूर्णिया के जलालगढ़ स्थित कठेली गांव में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की, की मूल कमेटी की ओर से पंचायत स्तरीय एक अहम बैठक आयोजित की गई जिसमें पार्टी के सभी विंग के सदस्यों ने हिस्सा लिया बैठक की अध्यक्षता कोऑर्डिनेटर मोहम्मद रजाक ने की इस बैठक में श्री आरी श्री ओमकार कमेटी के सह संयोजक आदित्य आनंद कुमार समेत पचास नामचीन जिम्मेदार सदस्यों ने भी हिस्सा लिया जबकि सैकड़ों की संख्या में प्रशांत किशोर के चाहने वाले लोगों ने भी इस बैठक में शिरकत की बैठक में प्रशांत किशोर जन स्वराज टीम के माध्यम से यूथ क्लब भी खोला गया जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने सदस्यता ग्रहण की बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चाएं की गई और पूर्व सांसद उदय सिंह पप्पू सिंह को भारी मतों से जिता पूर्णिया का एक बार फिर उन्हें सांसद बनाने का संकल्प लिया गया ताकि पूर्णिया का न केवल समुचित विकास हो सके बल्कि आपराधिक घटनाओं और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाई जा सके बैठक में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था जिन्होंने प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करने का संकल्प लिया और कहा की इस मर्तवा लोकसभा में महिलाएं भी एकजुट है और उदय सिंह पप्पू सिंह को भारी मतों से जीता कर वे लोग सांसद बनाएंगे हम एकता की भावना के साथ पंचायत के, के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास एवं उन्नति के लिए सामूहिक प्रयास करेंगे तथा बिहार में नई राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने में प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज मुहिम का पूर्ण रूप, रूप से सहयोग करेंगे, करेंगे। तथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे तो तो भी नहीं जो जन स्वराज और समाज के आदेशों के विरुद्ध हो जय बिहार जय जय बिहार जन स्वराज एक नया सोच है संसराज प्रशांत किशोर जी का एक सोच के तहत सबको ले कर चले हैं कि बिहार को कैसे बदलाव हो जो आज की वर्तमान राजनीतिक हालत चल रही है इससे जो होना था तो आज देख ही रहे हैं हम सब कि बिहार का जो हाल है कुछ ही घराना है मोटा मोटी कह सकते हैं कि तेरह करोड़ जनता में बारह सौ घराना है जो वही लोग राजनीति कर रहे हैं और उसी में राजनीति घूम रहा है तो जन जन तक कैसे हमारा दिशा दशा बदलाव हो जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए इस बात को या हम लोग जात पात प्रांतवादी का वोटिंग या राजनीति कर रहे हैं तो इस चीज़ के बदलाव के लिए प्रशांत किशोर जन स्वराज बनाया गया ये इनका जो संगठन काम कर रही है बिहार में क्या क्या प्रॉब्लम दिख रही है आप लोग जो देखिए प्रॉब्लम तो बहुत सारा है आप अगर देखिएगा तो शिक्षा को कैसे आप सुधारिएगा इसके लेकर के बहुत ही प्रॉब्लम दे शिक्षा के लिए तभी सरकार कुछ ना कुछ कर रहा है लेकिन शिक्षा धरातल में उतर नहीं रहा है जो बेसिक शिक्षा हो बच्चों के लिए बच्चों का भविष्य जो बदलाव आएगा तो उस पर काम नहीं हो रहा है जिस कारण से बहुत सारा त्रुटियां हैं जो प्रशांत जी इसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि शिक्षा पर कैसे सुधार हो या स्वास्थ्य कैसे सुधार हो अच्छा स्वास्थ्य जो चल रहा है संगठन काम कर रहा है अभी अभी पार्टी के लिए सोचे नहीं है पार्टी बनेगा तो देखा जाएगा मकसद तो वही है ना आप लोग नहीं करना नया बिहार बनाना हमको नया बिहार हाँ प्रशांत जी का जो सोच है एक नया बिहार बनाना है जो इस देश का प्रथम स्थान में कैसे आए बिहार इसी सोच को लेकर चले जन जन तक जाते हैं सबको जोड़ते हैं एक तरफ से पिछले साल 2022 में दो दो अक्टूबर 2022 से शुरू किए हैं पदयात्रा वो चंपारण से शुरू किए हैं मोटा मोटी दस ज़िला हो चुका है और आते आते यहाँ तक आ रहे हैं तो उसी का हम लोग एक संगठन समूह को जोड़ रहे हैं जो वो आएंगे पद के समय में यहाँ का जो समस्याएँ हैं यहाँ का जो छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं अगर किसी के साथ स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवा से दिक्कत है या शिक्षा विभाग से दिक्कत है तो वो सब चीज़ को हम लोग दूर कैसे करें इसी चीज़ को लेकर के एक मीटिंग से बुलाए हैं हम लोग कि माध्यम से लोग हाँ हाँ लो उसके तो माध्यम से आप हम लोग लो उसका निदान कर सकें निदान जी 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 जो हम लोग जुड़े हैं जिनकी सोच बड़ी अच्छी है सबसे अच्छी सोच पहली सोच तो क्या है कि समाज के अंदर किस तरीके जैसे आज हमारे पास में कुछ है ही नहीं मतलब यूँ कहा जाए कि अगर हम लोग जीने के अतबार से बस जी रहे हैं और जो जन स्वराज की सोच है तो जीने का जो सही तरीक़ा है वो सही तरीक़ा हम लोग को मिल जाए ये सोच उनकी है इस वजह से हम लोग जो है उस जन स्वराज को चुन रहे हैं और उनके साथ हैं उनके साथ चल करके उस दिन को हम भी पाएँ और हमारी नस्ल भी आने वाली पीढ़ी भी उसको पा सके अब जैसे कहा जाए शिक्षा के बारे में तो आज तो शिक्षा तो मसाला पहले के बनस्बत अभी ठीक है लेकिन शिक्षा का हाल ये है कि बस वहाँ खाना बनाओ खाओ घर चले जाओ और होता कुछ नहीं उससे सिवाए नुकसान का फ़ायदा नहीं वो बच्चा जा कर के वो जाहिर का जाहिर बना हुआ है वो बच्चा जो है आठ क्लास का पढ़ा हुआ है सात क्लास में पढ़ रहा है दस्तखत करने का ढंग नहीं है ये सच्चाई बता रहा हूँ जो हमारे यहाँ है ये सच्चाई रोने की बात है ये ये जन स्वराज की जो, जो सोच है कि सही शिक्षा और सही तालीम किस तरीके समाज में आ जाए ये इनकी सोच है इस वजह से हम लोग इसके ऊपर लगे हुए हैं और अल्लाह करे ऊपर वाला करे इनको तरक्की मिलता रहे और ये जो है हर जगह हर लोगों का काम आ सके आ, आप लोग संगठन में जुड़े हुए हैं आप लोग इसको संगठन को किस तरह से मजबूत करेंगे संगठन को इस तरीके से मजबूत करेंगे आज यहाँ हर कौम पियासी है हर उम्मत प्यासी है हर तबका हर समाज हर मोहल्ले के लोग प्यासा समझ में आ रहे हैं समझ रहे हैं कि नहीं उसकी वजह क्या है कि हर इंसान को जो चाहिए वो चीज़ मिल नहीं रही है और प्राकृतिक तरीके से जो चीज़ हमको दी गई है आज भी वो भी छीन लिया जा रहा है वो भी छीन लिया जा रहा है वो भी हमें हक में नहीं मिल पा रहा है इस तरीके से हम लोग सोचेंगे गौर करेंगे सब लोग मिल के उनका साथ देंगे